सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आपके चेहरे पर भी दाग धब्बे, झाइयाँ या फिर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या कलर कम्प्लेक्शन है, इन सभी को दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें, और इन पूरी वीडियो देखने के बाद आपकी ये जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसके अंदर हम जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे वो सभी के सभी इन्हीं इशू के लिए है, और इन्हीं इशू को है जो कि वो बिल्कुल ख़त्म करने में कामयाब है। और जैसे कि जैसे मैं आपको बताती रहूँगी, आपको उसी तरीके से ही यह रेमेडी बनानी है और उसके बाद इसको अप्लाई करना है। किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगी, और किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ है जो कि शेयर करूँगी। और लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए लेना है चावल का आटा। चावल का आटा दोस्तों मैं बता देती हूँ कि जो हमारी जो स्किन होती है उसके लिए एक अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। इससे हमारी जो स्किन होती है वो बिल्कुल ब्राइट हो जाती है, लाइटनिंग हो जाती है, साथ ही साथ कलर कॉम्प्लेक्शन को भी यह ठीक करने में हेल्प करती है। मोस्टली आजकल है जो कि चावल का यूज़ है हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर होने लगाया है, और जो कोरिया साइड के होते हैं इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो मोस्टली इनके अंदर अवेलेबल होता है चावल का आटा, और जिससे इनकी जो स्किन होती है वो एकदम जैसे कि ग्लास की तरह है, इनकी चमचमाती हुई स्किन है जो कि वो नज़र आती है। तो इसीलिए है जो कि हम इसके अंदर चावल का आटा यूज़ कर रहे हैं, और हम भी अपनी स्किन को है जो कि एकदम हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं इस तरीके से। एक चम्मच है जो कि हम इसके अंदर चावल का आटा ले लेंगे, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट आता है वो है आलू। आलू दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि आलू एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे जो डार्क स्पॉट होते हैं या फिर पिगमेंटेशन होती हैं, छाइयाँ हो गई या फिर जैसे कि बर्न के बाद कोई निशान पड़ जाता है, तो उसको दूर करने में यह एक बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। अगर आप जैसे कि डायरेक्ट कहीं पर भी निशान है, अगर वहाँ पर आप आलू का जो कि पेस्ट बनाकर भी लगाएंगे लगातार, तो आपका जो निशान है वह बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जैसे कि स्किन अगर कोई काम करते हैं किचन का, तो स्किन पर जैसे कि कहीं तेल का छींटा वगैरह लग जाता है तो निशान वगैरह पड़ जाते हैं, अगर आप ऐसे ही आलू को भी वहाँ पर रब करोगे तो आपका निशान है जो वो धीरे धीरे चला जाएगा। तो इस तरीके से है यह हमारे जो चेहरे पर होने वाले दाग धब्बे, झाइयाँ और पिगमेंटेशन, इन्हीं सभी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता देती हूँ कि जो आलू होता है इसके अंदर कोलेजन बूस्ट करने की बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी होती है, जिससे हमारा चेहरे पर है जो कि कोलेजन है जो कि उसकी मात्रा बढ़ती है, और उससे हमारा चेहरा है जो वो एकदम सा निखार लाता है और हमारा चेहरा है वो ग्लो करने लगता है। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पर फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, तो उन सभी प्रॉब्लम को भी दूर करने में यह हेल्प करता है। और हमें इसे आलू का है जो कि वो रस चाहिए, तो इसलिए हम सबसे पहले है जो कि आलू को कद्दूकस कर लेंगे, और उसके बाद है जो कि इसका रस है जो कि वो हम निकाल लेंगे। छलनी की सहायता से आप है जो कि वो इसका रस है वो निकाल सकते हैं, और आप इस रेमेडी को इंस्टेंट कीजिए और उसके बाद अपने फेस के ऊपर है जो कि वो अप्लाई कीजिए। क्योंकि जो हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं दोस्तों, और ये सभी मिलकर एक नया इंग्रेडिएंट मतलब एक नया पेस्ट बनता है इन सभी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को मिलाकर, और जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है जो कि वो लेकर आता है। और देख सकते हो आप यह अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुका है। दोस्तों हमें इसके अंदर जो रस है वो इसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही लेना है कि आप कितना चावल का आटा इसके अंदर ले रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं ताकि वो इसके अंदर अच्छे से पेस्ट बनकर तैयार हो जाए, उतना ही आपको इसके अंदर डालना है। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी, और हल्दी के बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों, हल्दी के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरिया, ये सभी प्रॉपर्टियाँ होती हैं जो कि हमारे चेहरे पर होने वाले पिंपल से है जो कि बचाव करती है, और हमारे चेहरे पर एक नेचुरल तरीके से भी ग्लो लाने में है जो कि हल्दी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एक चुटकी हम हल्दी है जो कि वो इसके अंदर डाल लेंगे, और हमारा जो पैक है वो बनकर रेडी हो चुका है। और चाहे तो आप दोस्तों इसके अंदर है जो कि वो लेमन भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास हो तो लेमन भी डाल लीजिए, क्योंकि लेमन है जो कि वो एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर आपके चेहरे पर जैसे कि हेयर हैं, काफ़ी का क्या होता है कि हेयर यहाँ वाले एरिया पर काफ़ी हेयर्स होते हैं और वो भी ब्लैक होते हैं,
तो इससे क्या होगा कि हमारे जो हेयर्स होते हैं काफ़ी को जैसे कि ब्लीच करते हैं उनको 15-15 दिन के बाद ब्लीच करने लग जाते हैं, तो इससे क्या होगा अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका जैसे कि ब्लीचिंग करने का टाइम वो भी बढ़ जाएगा, और जो साथ ही साथ जो लेमन होता है यह हमारी स्किन की जो डर्ट होती है उसको इंटरनल तरीके से क्लीन करता है और हमारी जो स्किन का पीएच लेवल होता है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है और हमारी जो सेल्स होती है उनको रेजुनोवेट करता है और हमारी जो स्किन होती है इस तरीके से हमारे चेहरे पर एक अलग सा है जो कि वो ग्लो आ जाता है। जैसे कि हमारा ये पेस्ट है वो बनकर तैयार हो गया है और इसके बाद हम इसको अपने फेस के ऊपर है जो कि वो अप्लाई कर लेंगे और इसको आप अच्छे से अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर लीजिए और अप्लाई करने के बाद आराम से है जो कि वो बैठ जाइए या लेट जाइए ताकि इतने में ये ड्राई हो जाए, और इसके बाद आप इसे 15-20 मिनट तक अपने स्किन पर रखिए और उसके बाद अपने चेहरे को प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। तो गाइज़ जैसे आप अपने फेस को क्लीन कर लेते हैं, मैंने अपने फेस को है जो कि अच्छे से क्लीन कर लिया है, और क्लीन करने के बाद अपने फेस को है जो कि आप कोई भी मॉइस्चराइज़र वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर गुलाब जल भी अपने चेहरे पर आप है जो कि वो लगाकर सो सकते हैं, क्योंकि गुलाब जल है जो वो एक टोनर का काम है जो कि करता है और साथ ही साथ हमारी जो स्किन को उसको ग्लो करने में हेल्प करता है। इस तरीके से आप अपने चेहरे को है जो भी और भी ज़्यादा चमकता दमकता है जो कि वो बना सकते हैं और आपकी जो स्किन है वो नेचुरल तरीके से हेल्दी भी हो जाएगी और शाइन भी करने लगी थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।